मसाइल लेकर आपके सामने हाजिर हैं, प्रोग्राम रूहानी मसाइल, जिसमें हम आपको रूहानियत के हवाले से बताते हैं। लाइफ नंबर आपके लिए स्क्रीन पर आ चुका है, साथ साथ आपके लिए फ्री बुकिंग का नंबर भी मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप कोई ख़ास पूछना चाह रहे हैं अपने स्टार्स के हवाले से तो, और या फिर वो भी आप जान सकते हैं। और ये प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जो डीएम आपके लिए पेश कर रहा है। और अगर आप हेल्थ के हवाले से जानना चाहेंगे तो यही कि आप अपने डॉक्टर से रबते में रहें, इसी तरह कोई लीगल प्रॉब्लम तो अपने सॉलिसिटर से हम बात करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ रूहानियत और स्टार्स के हवाले से। जी, हमारे साथ प्रोग्राम के मेहमान भी मौजूद हैं और आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ शायद कुछ लोग ऐसे भी हों जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनके लिए तारुफ कि आप एक रूहानी स्कॉलर हैं, रूहानियत पे काफ़ी किताबें भी लिख चुके हैं, इसके अलावा प्रिंट मीडिया से भी उनका ताल्लुक रहा है, और इसके अलावा आप माहिर इल्मे फलकियात भी हैं, इल्मे नजूम के जो डिफरेंट अलूम हैं उन पे भी उन्हें अबूर हासिल है। इसके अलावा जी, आप कोई पढ़ने के लिए कोई ख़ास पूछना चाह रहे हैं उनसे, अपना कोई वजीफ़ा जानना चाह रहे हैं, अपना स्टोन, अपनी लकी नंबर या जनरल रीडिंग कैसा रहेगा आपका ये साल जो आने वाला साल है, या कोई ख़ास काम करने लगे तो उसके हवाले से भी आप जान सकते हैं। इसके अलावा आप सदकात, ख़ास तौर पे दम गाना चाहे, रूहानियत के हवाले से अगर आप सदकात या दम गाना चाहें या कोई मज़ाहिब जानना चाहें तो वो भी बताते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद रूहानी स्कॉलर हसन रज़ा साहब। बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह की ज़ात। और हम बात भी करते हैं न्यूमरोलॉजी के हवाले से भी बताते हैं, मुलादात के भी माहिर हैं जी, वो भी हम अदद के हवाले से भी बात करते हैं। आज पूछते हैं जी, आज हमें क्या बता रहे हैं, क्या सितारों के हवाले से, आज के दिन के भी हवाले से भी, और हम काफ़ी पूछते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं रूहानियत के हवाले से भी, हम वो हमें बताते हैं। तो आज पूछेंगे कि शुरुआत कहाँ से करेंगे, रूहानियत से, सितार कहाँ से? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हस्बे मामूल रूहानी मसाइल प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ और मेरे साथ आज होस्ट कर रही हैं ताबिंदा। और जैसा कि ये प्रोग्राम रूहानियत के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पर मबनी होता है, और इस प्रोग्राम में आपको आपके लाइफ इशूज़ के बारे बताया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि पेचीदा मसला जो है वो मैरिजेस की नाकामी और शादियों का ना होना, और होने के बाद जो मसाइल दरपेश होते हैं उनमें ख़ास तौर पर जो रुकावटें आती हैं, जो बंदिशें आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, और वो सरासर जो होती हैं रूहानियत से मुतलका होती हैं। जो लोग रूहानियत के तालिब हैं, रूहानियत में जो लोग चलते हैं, वो बेहतर समझते हैं कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए ज़रूरी तौर पर जो चीज़ ज़्यादा लाजमी है वो है वज़ाइफ़। वज़ाइफ़ का जो तरीक़ाकार होता है, जैसा कि हम वजीफ़ा करते हैं, वज़ाइफ़ दो तरह के होते हैं बुनियादी तौर पर। कुछ लोग वज़ाइफ़ अल्लाह के कुर्ब के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की याद के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, या उस ज़ात की रज़ा के लिए करते हैं, और कुछ वज़ाइफ जो होते हैं ख़ास तौर पर मसाइल के हल के लिए। अच्छा, जब हम मसाइल के हल के लिए कोई वजीफ़ा करते हैं तो उसमें परमिशन की, इजाज़त की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मकसद मसाइल का हल होता है। मसाइल तब हल होते हैं जब किए जाने वाला वजीफ़ा जो है उसमें जो बंदिश है वो दूर हो, और उसमें जो रूहानी कुव्वत है वो असर करे। अगर वजीफे में पाए जाने वाली रूहानी कुव्वत असर नहीं करती तो वो अजर व सवाब तो ज़रूर बनता है, लेकिन मसाइल वैसे के वैसे रहते हैं। यहाँ पर एक मामूल बन गया है, यानी कि वज़ाइफ देने वाले के पास भी इतनी रूहानियत हो कि वो आगे जो है उसका, आगे अगर वो जैसे कह देते हैं कि ऐसे, मैंने सम टाइम देखा कि आप कोई किसी को कहते ना कि वो किसी को इसने हमें कुछ दिया हुआ है और हम आगे वो इजाजत अता हो जाता अता होती है बुजुर्गों की तरफ से, तो वो भी रूहानियत होनी चाहिए तभी आपका वो आगे वजीफा हो सकता है। वजीफे का जो असर है इसलिए नहीं होता कि देने वाला वो गैर मुअस्सर होता है, ये बहुत जरूरी बात है। जो वजीफा दिया जो बुजुर्गों से फैज शामिल कर लें, फिर बात करते हैं। सॉरी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम जी। कौन बात कर रही है? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। सादिया जी, सादिया क्या पूछना है जी? मैंने ये वो शाह साहब से पूछना है, पहली बार कॉल की है जी। शाह साहब हमारे बाबा जी हैं, हसन रजा साहब जी, क्या पूछना है जी? जी सॉरी कोई बात नहीं जी, बताएं क्या पूछना है? बारे में और अपने बारे में पूछना था। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। बेटे की तो डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 2007 है। 9 अक्टूबर 2007, ठीक है। नाम किससे स्टार्ट होता है बता अगर बता सकते हैं जी? 2007 से है जी। अच्छा, उनकी पैदाइश है तो नाम क्या है उनका बेटे का? अरकम। अरकम जी, अरकम। इसका मतलब मीनिंग क्या है वैसे? वैसे ही पूछ रही हूँ। ये बस यानी कि लिखने वाला। अच्छा, अच्छा जी जी, गुड गुड। तो क्या जनरेटिंग? ये बाबा जी ज्यादा पता हो गई बाबा जी से पूछते हैं कि उनके बारे में पूछते हैं और इसके मैं फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ, और मेरे हस्बैंड का नाम है शाहिद सुहेल, पहले उनके बारे में और अपने बारे में। अच्छा, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। शाहिद साहब की नहीं आती मुझे। अच्छा, उनका नाम शाहिद से, फिर उनकी वालदा का नाम बता दिया। सादिया है। आपका नाम सादी, आपके हस्बैंड का नाम शाहिद, वालदा का नाम है शमीम अख्तर, उनकी वालदा का नाम है शमी। पहले ऐसा करते हैं, हम बेटे से बोलते हैं, फिर आपकी वारी वारी, ठीक है? और ये इसका भी बता दें प्लीज कि हमारी रिलेशनशिप हमारे बच्चे के साथ किस तरह होगी। ठीक है, वो बिल्कुल हम सितारों के हवाले से बताएंगे, बाकी आपकी अपनी मर्जी। जायचा वगैरह भी निकालेंगे, वो ही पूरा बता देना कैसा रहेगा, सब कुछ बताएंगे उसमें जी। हम सितारों के हवाले से सुनू, ये ना हो कि आप मेरा छोड़ दें, पहले भी मैंने ये अगर दूसरी कॉल अगर आ गई तो फिर ये होगा कि हमें दूसरी कॉल लेनी पड़ जाती है। ये मतलब प्लीज जरा मुझे या बात करें, बात कीजिए, इतना बात कीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्या हाल है? आप अपने बेटे जो अरकम है इसके बारे क्या पूछना चाहती हैं? पहले तो ये बात, ये इसके फ्यूचर के बारे में और एजुकेशन के बारे में और ये कैसे इसकी लाइफ में रहेगा। अच्छा, पहली बार क्या है? हाँ, ये और हम फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ कैसे होगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये अभी इसकी बड़ी छोटी उम्र है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चूँकि जोहरा के जेर साया पैदा हुआ है, अगर हम जायचे के मुताबिक देखें तो दो रूलिंग प्लैनेट है, एक वीनस और दूसरा मरकरी, ठीक है? और ज़्यादातर ये बच्चा जो है इमोशनल है, और ज़्यादातर ये जज्बाती जिसे हम कहते हैं, और बड़ा मसलन के फ्रेंडली है, और आगे चल के इसकी एजुकेशन चूँकि नंबर इसका रूलिंग 9 है, इस हवाले से ये मेडिकल की तरफ या कानून की तरफ या ये अकाउंट्स की तरफ इसकी एजुकेशन जा सकती है, ये काफ़ी इसके साथ जो है ना, लेकिन इसकी तालीम की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। जहीन है, काबिल भी है, जहीन भी है, लेकिन इसकी तवज्जो जो है वो उठ सकती है एजुकेशन से, ठीक है? क्योंकि इसके एजुकेशन के जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इतने अच्छे नहीं हैं, पहली बात तो ये आप याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि इसको कुछ फिज़िकली प्रॉब्लम जैसे कि काफ़ी अरसे बाद इसको नज़र आ रही है, ठीक है? जो कि 2011 का साल जो था, कुछ थोड़ा सा अपसेट इसका गुजरा होगा बच्चे का, 2011 मार्च से, ठीक है? अच्छा, तालीम में नहीं हो गई है, एजुकेशन में बहुत अच्छा जहीन है, लेकिन जहनी रुझान जो है ना ज़रा इसका हट सकता है, इसमें आपकी कड़ी नज़र की ज़रूरत है इसके साथ, इसके लिए, ठीक है? ये मैं बताना चाह रहा हूँ जी, 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 क्योंकि ये जिन बुर्ज में ये पैदा हुआ है, ऐसे लोग ज़्यादातर जो एजुकेशन में जहीन काफ़ी होते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते, इनमें ये प्रॉब्लम होती है, अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है जी, जी। हाँ, सेल्फ कहे कि इसको एक दफा जो चीज बता हाँ, देते हैं ना, ये तवज्जो नहीं देता, लेकिन इसको याद होती है वो। हाँ, याद होती है, तवज्जो नहीं। अब ये ऐसी याद होती है कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती हाँ, है। नहीं, याददाश्त इसकी बहुत अच्छी है, मेमोरी बड़ी अच्छी है, बड़ा जहीन है, फतीन है, काबिल है, मेहनती है, लेकिन अपनी एकेडमिक जो एजुकेशन है उसमें ये तवज्जो कंसंट्रेशन नहीं दे पाएगा, दूसरे कामों में बहुत ज्यादा काम करेगा ये, ठीक है? और ज़्यादातर इसके स्टमक में प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है? और हाँ जी जी, उसी की तरह आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, लिहाजा आप अपने इस बच्चे के लिए जो दो रकत नमाज नफल पढ़ के अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद पाक, 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह अखलास और उसके साथ 3 दफ़ा सूरह अलम नशरा आप पढ़ के, और या अल्लाह या रहमान या रहीम 100 मरतबा पढ़ के आप इसको पानी पिलाया करें। और यह है कि उनके जीपी से भी ज़रूर आप रबते में रहें, ठीक है? और हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।